सोचा नहीं था कि ये वीडियो इतने बेकार दिन में इल्जाम मेरे पे लगा देती है कि इतनी चिंता मुझे कभी नहीं हुई 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की। प्यारी समझ गई खुशी से थोड़ा सा अभी मूड भी ऐसे खराब हो रखा है क्योंकि पिता की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। तो आज बादल लग रखे हैं और हैं, पर धूप हल्की फुल्की आ रही है और अभी हमारे आधे गांव में धूप आ गई है और 10 मिनट में हमारे घर में भी धूप आ जाएगी। आज मौसम ख़राब ही है और जितने में मैंने काम वगैरह करा उतने में हमारे यहाँ धूप आ गई है। और अब मुझे बनाना है अपने लिए सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि जिस दिन मेरा व्रत होता है उसके अगले दिन वो सुबह नमक की क्रेविंग होती है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ और रोटी तो मैंने बना दी है। इससे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चटनी। तो इसमें मैंने लहसुन के पत्ते, धनिया और टमाटर और खूब सारी मिर्च और नमक डाल दिया है। और जैसे कि मैं आलसी हूँ तो मैं इसे बनाऊंगी मिक्सी पे। और अभी मेरा नाश्ता भी बन गया है और आज मैंने अपने लिए भयंकर ही नाश्ता बना दिया है। तो नाश्ते में है मटर पनीर की सब्जी जो कि अनीता ने बनाई थी और अनीता लेके आई है अभी, और साथ में है दलिया जो कि मैंने कल रात को बनाया था, और इसके साथ ही है चटनी और रोटी। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ देख के मुँह में पानी आ रहा है, तो फटाफट पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और टेस्टी नाश्ता करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ दूध के लिए। और अभी मैं जा रही थी दूध के लेने में, मैंने देखा दादी यहाँ पर डाल रही है जो नाज है वो भिगाने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ नाज के बिजवाड़ पड़ रहे हैं। और ये वाला जो नाज है, जो लाल भात होता है, वो इसी धान का होता है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में जंगिया नाज बोला जाता है। और दूसरा नाज भी दादी ने यहाँ पे डाल रखा है। तो 2-3 दिन भिगाने के बाद दादी फिर इन्हें खेतों में डाल देगी और फिर कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ रोपाई लगेगी, तो यही नाज फिर खेतों में बो दिया जाएगा। और अभी लगभग मेरे घर के सारे काम निपट गए हैं और रोज अभी शौर्य आ जाता था, पर आज उसका रिजल्ट है तो वो गया है रिजल्ट लेने के लिए स्कूल। आज वो नहीं आया है, मुझे इतनी उदास लग रही है। एक एक मिनट काटना उसके बिना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कुछ दिन से आदत पड़ गई है उसकी कि पता है कि वो आएगा, पर क्या ही बोल सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे आता है, वो कुछ कर भी पाता है या नहीं। वैसे मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा क्योंकि वो बहुत तेज है पढ़ने में, भले ही वो पढ़ाई नहीं करता है। वो उन बच्चों में से कि चलो थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं और उसको सभी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए वो 24 घंटे नहीं पढ़ता है। पर आज देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। आज शौर्य का मुश्किल दिन है और शौर्य के साथ मुश्किल दिन मेरा भी है, क्योंकि जब भी उसका रिजल्ट आता है उस दिन मुझे और उसे दोनों को खूब ही सुनने को मिलता है, क्योंकि वो पढ़ता है नहीं, वो थोड़ा बहुत पढ़ता है। और चाची को ये चाहिए कि वो 24 घंटे बैठा रहे पढ़ने के लिए, पर ये चीज़ें वो करता नहीं है। वो मेरे यहाँ आ जाता है तो फिर चाची सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा देती है कि तेरी वजह से वो बिगड़ा है, तू नहीं बोलती है उसे पढ़ाई करने के लिए। तो आज देखते हैं कि शौर्य मेरी लाज रख पाता है या नहीं, या आज मुझे फिर चीज़ें दोबारा सुननी पड़ती हैं। बाकी आजकल हमारे गाँव में जितने भी आड़ू, पुलम और नाशपति वगैरह के पेड़ हैं, तो सभी पेड़ों में फूल आ गए हैं और फूल आने की वजह से ये पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इन फूलों की वजह से गांव के नज़ारे पे भी 4 चांद लग जाते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ चाची लोगों के यहाँ, क्योंकि अपने हिस्से का थोड़ा बहुत पहले सुन लेती हूँ और थोड़ा बहुत बाद में सुनूंगी, क्योंकि अगर बाद में जाऊँगी तो सारा एक साथ सुनने को मिलेगा और फिर मुझे भी गुस्सा आ जाएगा और मैं चाची को उल्टा सुना दूँगी, इसलिए थोड़ा बहुत अभी सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत बाद में सुनेंगे जब शौर्य का रिजल्ट आएगा। और अभी जैसी मैं यहाँ आई तो यहाँ आज शौर्य के बिना बहुत उदास लग रही है, और जैसे मैंने वहाँ पे कदम रखा वैसी चाची ने बोला कि आज चाचा और मैं दोनों इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, फिर बाकी बाद में बताएंगे। और चाचा चाची को सुबह ही बोल के गए हैं कि आज दोनों का आज रिजल्ट शौर्य का है, पर इन दोनों का रिजल्ट है आज। तो आज शौर्य मेरी नाक रख पाता है या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि जब वो आएगा रिजल्ट उसका देखा जाएगा और बाकी की जो सारी गालियाँ होगी वो मेरी तरफ आएगी, मुझे पता है। और आज तक मेरे इतने रिजल्ट आए पर इतनी चिंता मुझे कभी नहीं हुई जितनी चिंता मुझे आज है कि आज क्या होगा, क्योंकि आज क्लास दोनों की लगेगी, रिजल्ट का एक का है। अगर मेरी और शौर्य की क्लास लगी तो हम चाची की क्लास भी अपने साथ चाचा से लगवा देंगे, क्योंकि आज अगर हड्डी पसली टूटी तो तीनों की टूटेगी, वरना किसी एक की तो हम टूटने नहीं देंगे। अभी फाइनली जिसका इंतजार था वो आ गया है, तो देखते हैं जिस हिसाब से ये भाग रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि इसने अपनी और मेरी लाज रखी होगी, पर अभी देखते हैं क्या ही रिजल्ट आया है इसका। तो हमें लगा कि शौर्य ने अपना रिजल्ट छुपा रखा है, पर शौर्य ने अपना रिजल्ट नहीं छुपाया, शौर्य ने वहाँ पे रिजल्ट फेंका और वो चले गया।
तो ये है शौर्य का रिजल्ट, और शौर्य की जो परसेंटेज आई है वो आई है 80.85, और क्लास में उसका नंबर आया है 6, और आज वो बेचारा सीधे चले गया है खाना खा के खेलने के लिए। अब वो आएगा शाम को, क्योंकि चाची बेचारी ने उसे बहुत सुना दिया, तो इसके चक्कर में वो सीधे निकल गया यहाँ से। अब शाम को ही आएगा और खाना वगैरह भी वो शाम को ही खाएगा। और अभी मैंने खाना भी खा लिया है, और आज मेरा खाना चाची लोगों के यहाँ ही बना था, और चाची ने वही सब चीजें बनाई थी जो कल बनाई थी, पर आज फर्क सिर्फ इतना है, आज चाचा थे तो मैंने फटाफट खा लिया, ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि ज्यादा बोलती तो डांट सुनने को मिलती, पर चाचा ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बोला। चाची ने मुझे इतना डरा दिया था कि तेरे चाचा बोल तुझे देख क्या करते हैं, पर चाचा ने मुझे तू भी नहीं, खौफ यहाँ पूरा भर दिया था मेरे अंदर कि मैंने सोचा आज पता नहीं क्या होता, इसीलिए मैंने न ब्लॉग बनाया न कुछ, सबसे पहले सीधे खाना खाया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ब्लॉग बनाती तब सुनने को मिलता कि बस तेरी वजह, इसीलिए हमने फटाफट खाना खाया। तो अभी चाचा चले गए हैं दुकान, और उसके बाद ही मैं फिर से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जब चाचा चले जाते हैं तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर डांट सुनने को मिलती है, इसलिए हमने बोला क्या ही सुने। और कुछ समय पहले जो चाची ने मिर्च की क्यारी करी थी उसमें अंकुर आ गए हैं, तो इसमें से जो चाची ने तिलपार रखा था वो हटा दिया है, और अभी हम आ गए हैं घर। तो आज मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि पूरे दिन भर मुझे सर दर्द हो रहा था। तो जो कल का ब्लॉग है, जो हमने अनीता के 10,000 सब्सक्राइबर का केक काटा था, तो वो वीडियो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो इतने बेकार दिन में ऐड होगी, क्योंकि आज हमारा मूड ख़राब है वैसे भी, और इसका भी मूड ख़राब है, तो ये ऐसे बैठ रखा है। जैसे ही मैंने कथा पढ़ी और खाना खाया वैसे आया मुझे अनीता का कॉल, क्योंकि अनीता के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इन्होंने केक लाया था। मेरा तो व्रत है, पर उन्होंने बोला आजा कोई बात नहीं, केक मत खाना पर तू आ जा, इसलिए मैंने बोला चलो कोई बात नहीं चलते। बहुत बहुत बधाई हो 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की। और अनीता की खुशी उसकी हंसी से सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आए हैं दादाजी, कैसे हो आप? सब बढ़िया है कृपा, आप क्या बताइए? बस मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो रहा है? बस बढ़िया, आप सुनाओ कुछ। हम क्या सुनाएं, वही जिंदगी, किसी बीती जिंदगी। अब तो जिंदगी बढ़िया हो गई होगी ना आपकी? बहुत बढ़िया। पहले पहले थी किसी पीटी, अब तो इंटरेस्टिंग हो रही होगी। वो भी है, इतना भी नहीं अभी, वो बाद में देख लेंगे। ओहो, चलो देखते हैं बाद में क्या होता है। जल्दी आप चाहेंगे कि आपका भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये खुशी मिले। ओहो, और आपकी थोड़ी, आपने बोला मेरे हो गया, ठीक है। आपसे पहले हम चाहते हैं कि इधर भी खुशी मिले। नहीं, मुझे वो खुशी नहीं चाहिए, मुझे लगा आप ये वाली खुशी की बात कर रहे हैं, मुझे वो वाली खुशी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उस खुशी से मैं थोड़ा सा अलग रहना चाहती हूँ। प्यारी समझ गई। अब समझी, प्यारी लेट समझी। नहीं, वाली खुशी से थोड़ा सा अभी टाइम है मुझे। चलिए आप जरा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। बिल्कुल। और आज अनीता के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे नानी भी आ रखी है, और साथ में यमुना भी आ रखी है। चलिए, 10,000 सेलिब्रेशन का केक ला रखा मैंने इसके लिए, और एक्चुअली क्या है कि थोड़ा मूड भी ऐसे खराब हो रखा है, क्योंकि पिताजी तबियत थोड़ा ठीक नहीं है। अगर थोड़ा ठीक होती तो शायद हम सेलिब्रेशन को थोड़ा और धूमधाम से मनाते, और पिताजी की कमी यहाँ पर खल रही है, तो पिताजी होते तो थोड़ा और इंटरटेनमेंट होना था, माँ जी पिताजी का डांस होना था, लेकिन क्या करें, बोलते हैं कि परिस्थिति कब कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन चलिए, हल्का फुल्का मैंने सोचा कि इसको भी नाराज नहीं करता हूँ। Congratulations. ताश खाओ, केक खाते रहो, पचाते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हेलो। और आप लगेंगे केक के हिस्से। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।